कैसे पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं और कैसे कैसे उसको चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। नहीं मचाना किसी ने भी, सभी से मेरी गुजारिश है, बड़े शांति से बैठ रही है। बरातियों के लिए कोई चाय चूहे का भी इंतजाम करना होगा जरूरी। लाइटा लाइटा नहीं लो, चाय का इंतजाम भी करो, तो बड़े पानी पानी खुला हो, नहीं तो बराती गाड़ियां रहेंगे कुछ नहीं मिले खाने। लो जी, क्योंकि ये शादी है, ये शादी है भगवान सिंह की। देखो अपने मुंडे की शादी होती है तो शादी में जो लोग भी जाते हैं वो यही देखते हैं अगले ने खाना कैसा बनाया। तो आप लोग भी आए, बेटी के लिए हमने कैसे चाय पानी कैसे मिलेगा पीने के लिए। तो मेरी तो कहता परिवार से गुजारिश है कुछ चाय पुराना और जो ये लाइट लूट के इंतजाम फटाफट कर लो, यहाँ देना पड़ेगा। लो जी अपन जी भगवान सिंह का क्या चल रहा है। वो सभी घरों में जिन्होंने भगवान के मंदिर भी घर में बना लिए, दो चार फोटो लगा लिए भगवान जी की, चाहे भगवान शिव की कह लो, माता रानी की कह लो, ठाकुर जी की कह लो, श्री कृष्णा जी की कह लो, जोत जगानी है सवेरे शाम, ठीक है ना। जोत जगाने से मन में एक शक्ति पैदा होती है और घर पे जो बीमारी होती है घर में वो दूर हो जाती है ज्योति से, ऐसा होता है। क्योंकि ज्योति की नूर और उस धूप की जो धूप जो धुआं है जो प्रकाश है वो दूर तक जाता है, आसपास का पर्यावरण भी साफ सुथरा होता है। आज ये महामाई की ज्वाला जी से ज्योत आना, ये भी पवित्रता की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी देवी सज्जन अपने अपने घर से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं आप? तो भगवान का कीर्तन सुनने के लिए आए, हम तो बड़े जाएंगे, वैसे तो आदमी के पास समय है ही नहीं, लेकिन सोचा कि मैं भजन करके आऊँ भगवान का, वहाँ कथा होगी तो बड़े भगवान राम जी का नाम लिया जाएगा। इस संसार में सुखी नहीं है सारे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता, कितना चोर,
थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी प्रभु का दास भोले बाबा जी की भी हाजिरी मंजूर करते हैं। शिवदेव प्यारे दी अरदास।
बाबा ने पंडित श्री गंगाराम जी को बताया कि वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, ये उनकी निशानी है, शिव के पैर में, उसके पैर में पद्म है, माथे में चंद्रमा है, नेत्र तीन है, त्रिशूल हाथ में है, तल पे बगंबर डमरू बजाता है, बूढ़े से बैल की सवारी करता, आप सभी को देख करके वो बालक बन जाता है और मुझको देख करके वो बूढ़े बन जाएंगे, ऐसे भोले भंडारी की आपने बुढ़ाई करके सगाई करके आनी है। तो जी वो पंडित श्री गंगाराम जी का जप है। पंडित जी पढ़ता है, और देख लो कहाँ है ग्रीनलैंड स्कूल, सीएम सिटी में है, है? बोलो आपको रास्ते में बड़े बड़े सांप शेर और भूत दिखाई देंगे, आप डरोगे तो नहीं? नहीं डरूंगा। हाँ नहीं डरूंगा, भूत देखे भूत? नहीं। अब ये भूत दिखा मैं करूंगा वहां पर रास्ते में, फिर डरेगा नहीं? नहीं जी। अच्छा मैं दिखाऊं आपको भूत अभी? दिखाओ। अच्छा जी अभी भूत दिखाएंगे, ले तो बात अभी बुला देते हैं, भूत जिंदे देखने मरे देखने जिंदे जिंदे कोई भूत थोड़ी होते हैं, जिंदे तो इन ऐसे भूत होते हैं जिनको कभी भी याद नहीं रहता, कभी नहीं भूलता, बताए बात देख लिया कभी नहीं भूलता, देख लो भाई फेसबुक कभी भूल जाओगे? बोलो शंकर भगवान की, उसको कौन डराया? भगवान शिव ने पहली पौड़ी पर वो पंडित जी प्यार रखता है, कंकर पत्थरों की बरसात शुरू कर देता है, दूसरी पौड़ी पर जब वो कदम रखता है भगवान शिव अपने गले से 100 मण पक्के का शेष नाग उस पंडित जी के सामने छोड़ देते हैं, तीसरी पौड़ी पर जब पैर रखा, क्या नाम है? बच्चों में भी अरदास कराइए भगवान शिव हाजरी को कबूल कर सुख शांति। तो जी चौथी पौड़ी पर पैर रखा, भगवान शिव ने अपने आसपास के भूतों को वहां छोड़ दिया जिससे कि वो डरते नहीं है, जब वो कैलाश पर्वत में जाता है पंडित जी जाकर के देखते हैं भगवान शिव आपके पीछे करते हैं, हाँ पीछे करके ऐसे बैठ जाए, हाँ देखो भाई भगवान उसे कर्ष की अरदास रुत Yeah.
पूरा भजन करते करते पूरा एक साल बीत गया। चार महीने सर्दी, चार महीने गर्मी और चार महीने चित्रमास में जो बरसात के लगते हैं पूरे ही शरीर को दीपक लगता है, जो लगती वो बोती हो जाती है और पंडित जी की जान निकल जाती है। जिस टाइम पंडित जी की जान निकल जाती है तो संत भगवान का सिंहासन बन जाता है, भोले बाबा का सिंहासन बन जाता है। शंकर भगवान ने धरके टुकड़े पे सिर बजाया और अपने नंदीगढ़ को बुलाया, बेटा नंदीगढ़। नंदीगढ़ कहने लगे बोलो गुरु जी, कह लगे बेटा सुन नहीं आई। नंदीगढ़ कहते गुरु सुन किस बात की, कह लगे बेटा ये अपनी कुटी के सामने कूड़ा पड़ा है, इसको चार कदम आगे गए रखा, चार कदम पीछे गए रखा। भगवान शिव के नंदीगढ़ कहते गुरु जी ये कूड़ा और मिट्टी नहीं है, ये किसी देश का रंग का ब्राह्मण है जो चोला छोड़ गया तेरे द्वारे, हत्या होगी तेरे द्वारे। जिस टाइम हत्या का ना सुना अंदर से थोड़ी घुमाई पंडित जी हटी, उनका प्रभु छोड़ करके अर्पण जी को जीवन दान भी करता है। बोलो शंकर भगवान जीवन दान भी करता है, आपस में जवाब सवाल होते हैं। अरे ब्राह्मण देवता, तू यहाँ क्या लेने के लिए आया है? बोलो बाबा जी, बाबा जी। अरे पापा जी, बाबा जी, बाबा जी, मैं आपकी सगाई करने के लिए आया। सगाई करने के लिए आया। जिस टाइम सगाई का ना लिया तो शंकर भगवान एकदम से गुस्सा हो गया, दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, भाग जाओ, नहीं जाना, नहीं जाना। अरे भाग जा, नहीं जाना, नहीं जा रहा। जवाब सवाल होते कहते हैं भगवान से, अरे तो जब आगे जाकर भगवान शिव कहते हैं ब्राह्मण देवता यहाँ से चले जाओ, तेरी गौ जा पांच साल की है और मैं बाबा की हजार साल का। अरे डिगमग डिगमग गाया करे और मेरे दंत करे और लपड़ चपड़ मेरी जीभा करे और ध्रुक ध्रुक ढुलके छाती अखा दी पलक जमीन लगे दारा मेरा गज गज लंबा बुरा हाल बखरा लू। कौन सी उम्र मेरी ब्याह करवा लू, ब्याह की लौट भी है दिया जवाब राजा ब्राह्मण। भगवान शिव कहते ब्राह्मण देवता एक गल में और सुनावा, तेरी गौर जाओ किसी राजा की लड़की है, हुक्म राज करने को मंगेगी, अरे खीर खंड का भोजन मंगेगी, सोने सोने वस्त्र मंगेगी, लाली पाउडर सुर्खी मंगेगी, मुख देखने को दर्पण मंगेगी, इतना माल कहाँ से लाऊं, दिया जवाब चला जा ब्राह्मण। पंडित जी कहते हैं बाबा जी आप पिछले जन्म के वचन याद करो, आप पिछले जन्म के वचन याद करो, जो माँ पार्वती से वचन भरे थे, जो माँ पार्वती से वचन भरे थे, हम वचना का नाम लेते हैं तो शंकर भगवान अपनी ताड़ी खोल लेते हैं। जो जी अब होगी भगवान शिव की सुनवाई, सगाई जैसे अपने लड़के की सगाई होती है तो हम उसको सभी सगन पाते हैं, साथ साथ भगवान शिव का रूप है, सभी ने इसको सगन भी पाड़ा, सभी ने बाबा जी का आशीर्वाद भी लेना है। फटाफट कला पांच कलाने और कि हो जाएगा।
ये भोग लगे भगवान शिव को और सभी ने भगवान शिव को शरण पाना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो खड़े होकर शरण भी पाए। अल्ले लो बाबा जी का भी बाबा जी को संगठन पावे हरे की दाती हरे की दाती हरे की दुआ हरे की कपी हरी गोवंडी हुआ पहाड़ की ओ हुआ पे गए बाबा जी को बाबा जी को सारी संगत सारी संगत बाबा जी का आशीर्वाद बहुत बहुत बधाई के साथ हमारा गंदा परिवार जिन्होंने अपने घर में आज वासी को कुर्बानी हुई है। बाबा हजी की चंदन पावे भोले बाबे के चंदन पावे हड्डी गवंडी चंदन पावे बाबा हजी को चंदन पावे भोले बाबे को चंदन पावे बाबा जी को चंदन पावे हुआ पहाड़ जी चंदन पावे हुआ पहाड़ जी चंदन पावे हुआ पहाड़ जी चंदन पावे इस बाबे का चंदन पावे इस बाबे का चंदन पावे बाबा जी को चंदन पावे भोले बाबे को चंदन पावे सारी संगत चंदन पावे सारी संगत चंदन पावे इस बाबे का हुआ पहाड़ जी चंदन पावे इस बाबे का चंदन पावे इस भोले का चंदन पावे बीच में फेर मेरे बीच में फेर मेरे बाबा जी को चंदन पावे बाबा जी को चंदन पावे भोले बाबे को चंदन पावे हड्डी गवंडी चंदन पावे इस बाबे का चंदन पावे सगन बीच में फेर मेरे बाबा जी को हुआ पहाड़ जी बाबे बाबा जी को भोले बाबे को बाबा जी को सारी संगत सारी संगत इस बाबे का बाबा जी को भोले भोले शंकर भगवान की है। भगवान की बाबा जी मैं आपकी सगाई करी पहले मेरे को भोजन कराओ अरे पंडिता मेरे को मालूम था तुम ऐसे करोगे हम साधुओं के पास भंग है भंग लेनी नहीं बाबा जी नहीं बाबा जी अरे की गल पंडित जी क्या क्या बात पंडित जी क्या बात पंडित जी कोड़ी लगती है कोड़ी लगती है हाँ बाबा जी हाँ बाबा जी पंडित जी पूरा ले जाओ पूरा ले जाओ अरे नहीं बाबा अरे नहीं बाबा क्या बात कोड़ा लगता है क्या बात कोड़ा लगता है हाँ बाबा जी हाँ बाबा जी भगवान शिव कहते हैं पंडिता धतूरा ले जाओ कर नहीं बाबा मेरे को बड़ा कोड़ा लगता है भगवान शिव कहते हैं पंडिता तेरे को मालूम नहीं जो लोग सावन के महीने में चढ़ाते हैं भगवान शिव पे भंग को धतूरा तो उसका काम होता है पूरा बोलिए सच्चे दरबार की लियो जी अरे पंडिता गले का शेष नाग ले जाओ अरे नहीं बाबा अरे नहीं बाबा ये मेरे को भी खा जाएगा ये मेरे को भी खा जाएगा मेरी पुनताणी को भी खा जाएगा मेरी पुनताणी को भी खा जाएगा मेरे छोटे छोटे चार बच्चे उनको भी खा जाएगा मेरे छोटे छोटे चार बच्चे उनको भी खा जाएगा। हेलो क्या चल रहा है पंडित जी को भोजन करा देते हैं कहते हैं चाय पावे पंडित जी को सत पकवानी बना के खिला दो चाय पंडित जी को सत पकवानी बना के खिला दो अगर उसको खाने के बाद अच्छी ही दक्षिणा नहीं मिलती ना उसकी आत्मा शांति नहीं होगी क्या लगा मैं रोटी खाई दो दान घिसाई दो
शंकर जो भगवान जवाब देते हैं, थोड़ी उदास होकर चल देते हैं। और कवि ने बड़ी सोनी कल्पना की और अति सुंदर भजन बनाया। और कैसे हाँ जी शिव शंकर अरे इतना दोता बहुत बहुत खराब है, दोता दोते सारे बिगड़ी होते हैं ये कैसे शिव शंकर शिव चौकिया शिव चौकिया मेरा घोटा वे पिया मेरा घोटा वे पिया कैसे किया बोलिए शिव शंकरा अरे शिव योगिया ओ तेरा घोटा भे पिया ओ तेरे घोटे को पी कर हम भगन हो गए बाबा ओ शिव शंकरा शिव योगिया तेरा घोटा भे पिया तेरे घोटे को पी कर हम मगन हो गए बाबा सवारी सवारी बारिश
राम राम भाई कैसे हो? बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोले भाई भगवान शिव ने उस पंडित जी को विदा कर दिया था, खबर लगाई राजा के घर में। आपको परिचय देना होता है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे बोलते हैं। जब स्कूल में कोई खड़े हो जाते हो, आपको पूछेंगे कहाँ से आते हो, क्या बोलोगे? बोलो जितनी सेहत है उसी हिसाब से बोलो। बादशाह से आया जी, तो ऐसे बोलते आपकी बरात में नहीं जाऊँगा, आपकी बरात में नहीं जाऊँगा। आपने आपने अपना अपना हार श्रृंगार कर लिया, हार श्रृंगार कर लिया, मेरी कोई बात नहीं जानी, मेरी कोई बात नहीं जानी। आप मुझे श्रृंगारिए, आप मुझे श्रृंगारिए, नहलाइए नहलाइए, मेरे पीछे गोबर लगाए, मेरे पीछे गोबर लगाए, मुझे नहला कर तैयार कीजिए, मुझे नहला कर तैयार कीजिए। ओहो बाबा जी का बिंदी बड़ा आसाना। बाबा जी आप बहुत अच्छे लगे, देख लो और भी ज्यादा अच्छे लगा दिए हमारे बाबा जी ने। तो जी आप बड़े अच्छे लगे, पर मैं आपकी बारात में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आपने अपना हार स्वीकार कर लिया, मेरी कोई जलवा मेरी कोई बात नहीं जानी आपने। तो भगवान शिव ने अपने नंदीगण को अपने पास बुलाया और कैसे उसका श्रृंगार कर दिया। ओ कोड़ बुलाया मैं ला दिया, गले में घंटी डाल करके भगवान शिव का नंदीगण तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद क्या करता है, भोले बाबा जी मैं आपको नाच के दिखाऊं, मैं आपका बाराती बन गया हूं। ऐसे करो घंटी बन, हां उधर ऊपर मुंह करो, हां जी ऐसे करो। ओ छाड़ मारता फिर नाच दिया बढ़िया, देखो देखो लगे मिल गए, थोड़ा देखो बोलो खूब से गाया करता दिया नहीं।
सुनो बेटा सुनो, कहते हैं जी शेर चढ़ी माता मिले, शेर चढ़ी माता मिले, गरुड़ चढ़े भगवान और बैल चढ़े शिव जी मिले, संपूर्ण हो सभी काम। परिवार को अलग अलग बताए, बहुत बहुत बताइया। जैसे अपने घर मुंडा गोड़ी को बैठ के बयान वास्ते जाता है, आंटी गुआंटी रिश्तेदार अगर पड़ोसी यू पैसे की बरखा करते ला भाई मुंडा बयान चलिया, तो कहता परिवार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी भगवान शिव जी बयान के लिए आए हैं, अपनी अपनी नेक कमाई से मोटा मोटा इंग्लैंड का जो जितना पैसा है शीला जी को भी बहुत बहुत बधाई, ऐसे बात को एक बार ऊपर से ऐसे घुमा दो इसके ये पैसे शीला देवी का ठीक हो ऐसे कर दो ऐसे आशीर्वाद दे दो। हां जी ले भाई, बहुत बहुत बधाइया। शीला जी ने बेल कराई 100 रुपए की, बोले बाबा जी महाराज जी बहुत बहुत बधाई। नंदीगढ़ की भी बेल कराई, जय जयकार भाई बोले बाबा की, ओ सिवराणे की बेल कराओ, नंदीगढ़ की बेल कराओ, नंदीगढ़ की बेल कराओ, उठो शाबाश आशीर्वाद करो बोले बाबा का, बोले नाथ जी अगर पड़ोसी बाबा जी की मम्मी पापा बुआ जी दादा दादी I'm
Thank you.
राजा हिमाचल के घर में पहुंच गई। उधर से गोरा की सहेलियां खाली बैठ के यहाँ चल वहां बैठ के खा भगवान सिंह की सालिया बोलिए शंकर भगवान की जय। और कैसे अरे बड़ा प्यारा सा जाहे दरबार बाबा जी तेरा प्यारा सा जाहे दरबार बाबा जी सुन बोलो भक्तों की लगी है कतार बाबा जी ऊंचे प्रजापति परिवार भगवान सिंह की शादी बेल कराने बहुत बहुत भगवान की जिस टाइम शंकर भगवान ने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और भीड़ डिमोड़ी जो दे चुकी लड़कियां के रोम रोम नची पड़ गया। जहां भी गणेश तैया तोबा तैया काम नहीं क्या खाली मेरी भैया घर से कुड़िया में वो लड़की पतली पतली आई और सूझ सूझ के भगवान की मुक्ति हो गई। तोड़ती जावे मरोड़ती जावे जाके कुक मेला में लावे श्याबस राजा तेरी जात में लड़ फकरा के लाई गोल जा सड़ी गोल जा 5 साल की ओ बाबा की 1000 साल का आज मरा निकल मर जाएगा परसों को अलबत मर जाएगा साड़ी बही को वीर हो जाए। राजा हिमाचल क्या काम करते हैं अपने कुल के पंडित जी को बुला लेते हैं। कहेंगे पंडित जी
क्या मारू तेरी जाति ब्राह्मण, क्या मारू तेरी जाति ब्राह्मण, जोगी को मारू जुग जुग विद्या, कन्या को मारू राजबाग सब कुछ मिल जाएगा। अरे तुम्हारे तीनों में से मेरे से कोई भी नहीं मारा जाएगा, अगर वो जोगी बहुत प्यारा तो बहन पांडी अपनी बहन। नरेश बहुत बहुत बधाइयां नरेश जी के परिवार को, जो भगवान शिव की शादी में 100 रुपए की अरदास, इन्होंने मम्मी डैडी की अरदास, पूरी फैमिली की अरदास, शंकर भगवान दे।